हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं क्लिनिक आ गई हूँ और थोड़ा सा सफाई करके और पूजा उजा कर ली है। मेरा रूटीन यही रहता है, तो आपको ये रूटीन कैसा लग रहा है मेरा ज़रूर बताइएगा। मन लगाने का यही एक साधन रह गया है मेरे पास, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत अकेली रहती हूँ, सब चले जाते हैं, तो यहाँ आके थोड़ा सा काम भी संभल जाता है और मुझे कुछ सीखने का मौका भी मिला। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इंसान को कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे कि उसकी जो जीवन है वो आगे सुचारू रूप से चले। क्योंकि ये दिन हर एक की ज़िंदगी में आता है, एक को पहले जाना है, चाहे तो आपके मतलब जो जीवन साथी होते हैं उसमें से या तो औरत जाती है या आदमी जाता है, कोई एक तो जाता ही है पहले, और उसके बाद जीवन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि उसे एक नया रूप दे दें जीवन को ही, तो शायद थोड़ा सा मन तो नहीं लगता है, लेकिन लगाना पड़ता है, जीना पड़ता है, क्योंकि जब भगवान उठाएगा तभी जाएंगे हम इस दुनिया से। सब भगवान की मर्जी है, लाख कोशिश करें कि हमें भी उठा ले भगवान, लेकिन भगवान अपनी मर्जी से उठाता है। तो जब तक जीवन है तब तक जीना तो है, बच्चों के लिए जीना है, चाहे अपने लिए तो क्या जीना, जब हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद से हम अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं और पूरा जीवन ही बच्चों के लिए ही जीते हैं, और दोनों में से एक जाता है वो भी बच्चों के लिए ही जीता है। बस जीवन चलने का नाम है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। आगे देखते हैं ब्लॉग में क्या होता है। आज घर जाके और भी कई काम पड़े हैं, घर के भी बहुत से काम रह जाते हैं, लेकिन अकेले मन नहीं लगता है, इसलिए यहाँ आ जाती हूँ, जाके फिर जो थोड़े बहुत काम बचते हैं वो कर लेती हूँ। तो मिर्ची ख़राब हो रही है, खूब सारी मिर्ची आ गई थी, हरी मिर्ची, वो उनको मैं अचार डालूँगी, तो वो रेसिपी आपको दूँगी मिर्च के अचार की, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो अब मैं घर आ गई हूँ और क्षितिज ने खाना खा लिया है, एक सब्जी उसने बनाई थी, और मेरा जागृति का व्रत है, तो बस ये मिर्चियाँ रखी हैं, देखिए इतनी सारी, इनको सोच रही हूँ इनका अचार डालूँ, तो मसाला सेक के रख दूँगी। सौंफ, राई है, दाना मेथी है, जीरा है, ये चीज़ें सेक के रख दूँगी, मतलब भून के, और फिर इसमें मसाले मिला के चीरा देके भर दूंगी मिर्ची को। कुछ मिर्चियाँ लाल हो गई हैं, इनको मैं अलग डाल दूँगी, और बाकी ये सब पड़ी हैं। इनको मैंने हमेशा बताया है आपको कि डंठल तोड़ के रख दें तो ये ख़राब नहीं होती हैं, अभी मुझे टाइम नहीं मिला तो ये थोड़ा ख़राब होने लगी, पर इनको डंठल काट के कुछ तो मैं रख दूँगी, डंठल हटा के, जिससे ख़राब नहीं होंगी, और कुछ का मैं अचार डाल दूँगी, और ये मैं अलग डालूँगी, चार पाँच मिर्ची लाल हो गई हैं इनका अलग डाल दूँगी। तो इनको ऐसे थोड़ी कट कर ली है, और ये इसमें से बीज निकाल दिए हैं मैंने, और अब इनको पोंछ के बिल्कुल पानी इनका हटा के फिर इनको मैं भरूंगी।
में सो गई थी उसको तो डाल दिया अलग बरनी में, छोटी वाली में, और ये जो बड़ी मिर्ची है उनको डाल रही हूँ। इनको धो के चीरा लगा लिया है और सुखा दी है, दिखाती हूँ। और मसाला मैंने बना ही लिया है, उसको भर दूंगी और फिर तेल गरम करके ठंडा करके डाल दूंगी। ये देखिए इनमें चीरा लगा लिया है और बिल्कुल कट कर दिए, बड़ी बहुत थी ये मिर्ची, और मसाला मेरा बना हुआ है। और ये वाली भर दी है, लाल मिर्ची अलग भर दी है, तेल डाल दूंगी बाद में गरम करके, पहले इनको भर लूं फिर। तेल गरम हो रहा है, इसको थोड़ा ठंडा करके और इस अचार में मैं डाल दूंगी। और ऐसे कच्ची कच्ची मिर्च भी अच्छी लगती है वैसे तो, लेकिन ये 2-3 दिन में गल जाएंगी, धूप में रख सकते हैं और नहीं तो ऐसे ही गल जाएंगी। तो ये मिर्ची ख़राब होने से बचाने के लिए मैंने इसको अचार डाल दिया। और सभी पसंद करते हैं घर में इस अचार को, मास्टर जी को तो बहुत पसंद था मिर्ची का अचार, लेकिन लास्ट में जब थोड़ा सा उनको पी लिया में तकलीफ हुई ना, तो फिर एक दिन मांगा भी मेरे से अचार, एक मिर्ची का और भी मैंने डाल रखा है। तो खाया तो थोड़ा सा पेट दर्द था ही उस वक्त, ठीक हो गई थे वैसे तो, लेकिन थोड़ा पेट दर्द था तो बोले कि मुझे अचार दे दे, अचार की इच्छा हो रही है। मैंने थोड़ा सा दिया, बिल्कुल थोड़ा सा, तो वो खाया तो दूसरे दिन उनको थोड़ा सा पेट में दर्द ज़्यादा हुआ, तो बोले मैं तो नहीं खाऊंगा अभी, इस अचार को फेंक दे। तो मुझे अभी याद आई उनकी बहुत, लेकिन अभी ख़राब हो रही थी इसलिए मैंने बना लिया, नहीं तो मुझे अचार बनाने की इच्छा नहीं होती है। ये उनको बहुत पसंद था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायद उनके पास पहुँच जाए, हम लोग या बच्चे खाएंगे तो उनके ज़रूर पहुँचेगा, इसलिए बना लिया। तो तेल डालूंगी, याद आ गई बात, बात याद आ जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो जरूर बताइएगा, अभी जैसी भी बना पा रही हूँ वैसी बना दूंगी, क्योंकि चैनल भी फ्रीज हो जाएगा फिर मेरा, इस वजह से मैं शुरू कर दी है कि मोनेटाइज होया हुआ है काफ़ी टाइम से, और फिर क्या है नई वीडियो डालते हैं तो फिर चैनल फ्रीज हो जाता है, इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही है। कि ऐसा लगता है पड़ी रहूँ सारा दिन, पड़ी रहूँ बस, लेटी रहूँ ऐसे ही लगता है, लेकिन बस खुद को उठाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस कोशिश में मेरा साथ आप दीजिएगा जरूर। कल फिर नई वीडियो बनाऊँगी तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आगे भी देखते रहिए, मेरा साथ दीजिए।